में तो पहले प्रयास ये किया जाता है कि जो भी तार हमारे हैं लाइन है उसके नीचे जो है लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वो लोग पंडाल न लगाएं, लेकिन कुछ जगहों पे उसके बावजूद भी जो है हमारे जो श्रद्धालुगण हैं उनके द्वारा पंडाल लगाए जाते हैं। वहाँ पे हम लोग विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं कि जो हमारी लाइन है वो लाइन लूज न रहे, उसकी फिटिंग्स वगैरह टाइट रहें और हाइट वगैरह जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहे कि कोई आदमी अगर है या भीड़ है जो है तो तार के कॉन्टेक्ट में ना आ पाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें संविदा कर्मियों को और अभियंता एवं हमारे जो उपकरण अधिकारी हैं उनको तैनात किया जाता है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो पाए। जो अक्सर देखा जाता है कि कटिया का प्रयोग करते हैं लोग, तो इसके लिए क्या है? कटिया के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है, एक पत्र भी उनको दिया जाता है कि आप लोग एक उचित माध्यम से वैध संयोजन जो है टेम्पोरी संयोजन आप हमसे प्राप्त कर लें और हमारे विद्युत सुरक्षा निदेशालय जो है उनके द्वारा जांच करा लें कि कहीं किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना रहे। कुछ पंडाल के द्वारा इस पे विशेष ध्यान देकर के कनेक्शन दिए भी जाते हैं, कुछ जो है पंडाल हमारे जो श्रद्धालु हैं ध्यान नहीं देते हैं, उसको हम लोग चिन्हित करके विशेष अनुरोध करके जो है प्रयास करते हैं कि उनके द्वारा भी विद्युत संयोजन प्राप्त कर और NOC भी सुरक्षा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से NOC भी प्राप्त कर लिया जाए। इसके लिए अभी प्रयास हम लोग कर भी रहे हैं। जो बस्ती में सर किसी ने कनेक्ट कर लिया है दुर्गा पूजा कमेटी? नहीं, अभी जो है हमारे पास में एप्लीकेशन कुछ और अभियंता को प्राप्त हुए हैं, उसको कल हम लोग निर्गत करेंगे कनेक्शन, और विद्युत सुरक्षा से बात हुई है, कल उनसे हम जाँच करवा करके संयोजन उनको निर्गत करा देंगे।